देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण अटकी थी नियुक्ति, लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग में होगी नई भर्ती। क्लास 3 व 4 के 1032 पदों पर जो है मिलेगी नौकरी। तो इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती, बम्पर भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ चुका है। किस तरीके से आपको जो है आवेदन करना है, और स्वास्थ्य विभाग में 1032 पोस्ट जो है होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा पोस्ट है, एक अच्छा वैकेंसीज है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, आप जो है इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। योग्यता जो है किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से आवेदन करना है, सो कंप्लीट जानकारी जो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अपडेट्स निकल कर आया है। देखिए, आप लोगों के लिए तो भर्ती निकल कर आ रहे हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर तैयारी करना है, 1032 पोस्ट जो है स्वास्थ्य विभाग में निकल कर आया है। तो आप लोगों को अपडेट्स देख सकते हैं कि आरक्षण विवाद में फंसी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का रास्ता जो है अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM को जिला अस्पतालों CHC व PHC में जो है क्लास 3 व 4 के 1032 पदों पर जो है भर्ती की अनुमति दे दी है। लंबे समय से इन पदों पर जो है भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से जो है एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से आरक्षण का मामला है, तब से जो है छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारी स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के सभी युवा बहुत परेशान नज़र आ रहा है। यह भर्ती कलेक्टर दर पर यानी दैनिक वेतन भोगी के तौर पर जो है जिला स्तर पर होगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण इन पदों पर भर्ती जो है नहीं हो पा रही थी। अस्पतालों का काम लगातार प्रभावित होने के कारण शासन ने इसकी अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा है कि रिक्त पदों की संख्या के बंटवारा NHM करेगा, यानी किन अस्पतालों में कितने पद भरे जाएंगे या NHM के अफसर तय करेंगे। क्लास 3 व 4 में ANM, वार्ड बॉय, आया डाटा एंट्री ऑपरेटर, डेंटल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट आदि के पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। साथ में संविदा या नियमित भर्ती होते ही सेवा खत्म। तो अवर सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर दर पर होने वाली भर्ती संविदा या नियमित भर्ती होते ही जो है स्वतः खत्म हो जाएगी। अगर संविदा के तौर पर काम करते हैं या फिर अगर जॉब रेगुलर हो जाता है, तो कर्मियों को हर माह लगभग 12,000 12,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। यानी कि आपको सैलरी इसमें जो है काफ़ी अच्छा सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 12,500 रुपये आपको जो है पर मंथ जो है सैलरी मिलेगा। ये कर्मचारी बाद में नियमितीकरण की मांग भी नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए वे धरना प्रदर्शन में भी भाग नहीं लेंगे। इस संबंध में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों से शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा, ताकि कोई भी कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन जो है ना कर सके। तो उनसे एक फॉर्म भी फिलअप करवाया जाएगा, ताकि वो बाद में फिर से वेतन बढ़ाने के लिए जो है आंदोलन ना कर सके। नियुक्ति का विज्ञापन जारी होने के समय इन सभी नियमों का उल्लेख विस्तार से जो है किया जाएगा, ताकि बाद में किसी तरह से विवाद खड़ा ना हो, किसी भी तरह से बाद में विवाद ना हो सके। इधर अभी भी अम्बेडकर में 100 नर्सों की भर्ती जो है अटकी है। तो अम्बेडकर अस्पताल में भी 100 पोस्ट पर जो है भर्ती होना है, वो भी भर्ती जो है अटका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भले ही नई भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन अम्बेडकर अस्पताल में जो है अभी भी 100 नर्सों की भर्ती जो है अटकी हुई है। भर्ती के लिए तीसरे टेंडर में करीब 3 वेडरों से फॉर्म भरा है। टेक्निकल बिड 1-2 दिन में खोली जाएगी। हालांकि भर्ती को अभी सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति नहीं मिली है, वित्त विभाग ने इस भर्ती की अनुमति दी है। अम्बेडकर में नियमित व संविदा भर्ती भी हो सकती है, इसलिए वित्त विभाग के बाद GAD से भी भर्ती की अनुमति मांगी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस बी
एस नेताम ने बताया कि जीएडी से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंजूरी भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाला है आप सभी के लिए। तो 28 अस्पतालों समझ 169 सीएससी में नियुक्ति। भर्ती के लिए आवेदन जमा होने के बाद जिनका चयन होगा उन्हें 28 जिला अस्पताल 169 सीएससी व 890 पीएससी में नियुक्त किया जाएगा। डेंटल असिस्टेंट की नियुक्ति जो है जिला अस्पतालों और केवल सीएससी में होगी। एएनएम को सीएससी व पीएससी में नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अस्पतालों से खाली पदों की जानकारी पहले ही मंगा ली गई थी। इसी जानकारी के आधार पर रिक्त पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। तो नियमित व संविदा भर्ती नहीं होने के कारण कलेक्टर दर पर क्लास 3 व 4 की भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी। इसके लिए जल्द प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तो एक काफ़ी एक तरह से बात करें तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं स्वास्थ्य विभाग में। 1032 पदों पर जो है आप सभी के लिए नई भर्ती, 1032 पदों पर जो है नई वैकेंसी, जो है नई अपडेट्स के साथ जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है होने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, अच्छे से जो है फॉर्म फिलअप करना है, तो आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप जो है अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। साथ में अम्बेडकर अस्पताल में भी 100 पोस्ट 100 भर्ती जो है 100 वैकेंसी 100 पोस्ट भी निकल कर आने वाला है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। फिर इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो है नई नई अपडेट्स, नए नए भर्ती, नए नए रिक्वायरमेंट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है आते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तैयारी कीजिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन उन तक वीडियोस नहीं पहुँच पाता। तो इनफैक्ट कम से कम उन तक जो है वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर ही नहीं करते हैं, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट का भला हो सके। तो इसी तरह से देखिए, अभी तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला, आरक्षण रोस्टर जो है जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी के सभी स्टूडेंट के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है आरक्षण रोस्टर पर, जिसके वजह से आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती जो है निकाला गया है ताकि आप ऐसे कोई भी स्टूडेंट बेरोजगारी के दौर से जो जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के दौर से जो गुजर रहे हैं, आप बेरोजगारी के दौर से जो है बाहर आ सकेंगे और आप इसके लिए बहुत ही आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे। आप इसके लिए जो है आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, फिर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। तो बहुत आसानी से आप जो है आवेदन कर सकेंगे, ऑनलाइन आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।